गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। सो या आज सोचेंगे सुबह सुबह वाला मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ, ब्लॉग कैसे बना रही हूँ, क्योंकि मेरी एक्चुअली कल सच में कुछ खास नींद नहीं हुई है। हमेशा यही बोलती हूँ सोचते होंगे, बट दिस हैपन्स व्हेन यू आर विद व्हेन यू हैव अ बेबी, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि आज मैं वर्कआउट वगैरह करूँगी, तो सुबह भी जल्दी उठ गया, मुझे वर्कआउट भी निकलना है, बट अभी जस्ट मैंने उसको अंदर थोड़ी देर के लिए भेजा है, सो दैट आई जस्ट फिनिश माई कॉफ़ी एंड जस्ट गो फॉर माई वर्कआउट। थोड़ा उसको कम्फर्टेबल किया, तो मैंने बोला भी सर को कि थोड़ा लेट आती हूँ। एंड या अभी जस्ट नितेश विल टेक के मतलब उसको संभालेंगे, बट ही वॉज जस्ट सेइंग मामा मामा, सो मैंने बोला ठीक है, आई विल जस्ट प्ले विद हिम फॉर सम टाइम। So yeah, let's see. So yeah, we just Nitesh उठ रहे, तो मैं नीचे आ गई कि मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए। So yeah, अभी से भी बहुत लोगों को लगेगा कि ट्रेनिंग क्या इतनी ज़रूरी है, उसको संभाल लेना चाहिए। नहीं, उसको मैं संभालती हूँ, और ट्रेनिंग भी या ज़रूरी है, और यही वो भी देखेगा कि आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, सेल्फ लव जिसको कहते हैं, तो वो भी यही सीखेगा। मतलब ये जो है अभी जो मैं बोल रही हूँ इसमें भी सेट कर सकते हो, बाकी इसके बाद में फटाफट फटाफट मुझे भागना भी है, तो इसे जल्दी खत्म करके ले आना। सी यू गाइस ऑन सेट, बाय। और ये हमेशा मैं ट्रेनिंग के बाद सूर्य भगवान जी को नमस्ते और हेलो गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलती हूँ। सो मन तो नहीं कर रहा था, बट जैसे जैसे मैंने कर लिया ट्रेनिंग, आई एम फीलिंग सो गुड एंड सुपर। सो अभी फटाफट फटाफट जाकर मुझे नहाकर भागना है शूट के लिए, एंड अब देखना जोनी विल मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। वेयर इज जोनी? हाय बबू। He's like कि पहले दरवाजा बंद करो, and yes, अच्छी बात है। किसने? ओ जोनी जोनी आप गिर जाओ, उधर हो जाओ, सो नाउ आई एम लीविंग, एंड यू कैन सी कि बाल भी मुझे कोम करने का टाइम नहीं मिला, बड़ा फटाफट भाग रही हूँ। तो या मैं अभी निकल चुकी हूँ अपने शूट के लिए। सो या अभी मैं पहुँच रही हूँ सेट पे, देखा रूम में फटाफट फटाफट। ये रूम से तो आप सब बहुत ही ज़्यादा वाकिफ होंगे। एक्चुअली मैं मोस्टली म्यूज़िक सुनते सुनते मतलब सबसे पहले मैं आके गायत्री मंत्र लगा देती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप करके मैं फटाफट रेडी हूँ।
वैसे ये एक बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है तैयार होने में। आई थिंक मेकअप में मैं सच बताऊँ मुझे 10 मिनट लगते हैं। हाँ लाइक मुझे भी खुद बड़ा अच्छा लगता है कि यार इतना कम टाइम मुझे लगता है, तो क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत हैवी नहीं करती हूँ मेकअप, बेस लाइट ही रखती हूँ। और फिलहाल तो मैं, हाँ अभी पहले मैं लास्ट टाइम आप लोगों ने कहा मैं आई वॉज यूजिंग एस्टेल ऑर्डर, बट नाउ आई एम यूजिंग दिस थिंग बॉबी ब्राउन एंड ये तो आपको पता ही होगा। नहीं लास्ट टाइम भी मैं ये वाला यूज़ कर रही थी ना, ये भी एस्टेल ऑर्डर का ही है, बट दिस इज ऑल्सो नाइस, दिस इज स्मैश बॉक्स ओके फॉर लैश कंसीलर। तो क्या करना है, पहले चेंज कर ले, कर ले। हाँ और मैं ये पूछ रही थी कि पहले आज हम लोग का क्या हॉस्पिटल का है? हाँ। सारा हॉस्पिटल है पूरा आज भी, तो आज हॉस्पिटल की सीन है। अभी आ गई रिंकू मेरे पीछे पड़ी है कि पहले चेंज कर लो। नो मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, मैं कभी नहीं करती हूँ। आते ही सबसे पहले वो आती है और मैंने हाँ चलो 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 चलो, सो यस अब इसे रेडी होके दिखाऊंगी, सो ये कि सही चीज दिखाऊं और सही चीज सीखे। सो यार चेंज हो गया है अभी, और मेकअप भी हो जाएगा फटाफट। आई थिंक बुलाने भी आज जब टाइम मिलेगा ना तो इसको मैं ये मंगा के रखती हूँ, पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा, मेरा समझ ही नहीं आएगा। बहुत है, है? बहुत है, अगर ऐसे नहीं निकला ऐसे निकाल के भी करेंगे तो भी हो जाएगा, जब पूरा निकलना बंद हो जाएगा तब भी काम चल जाएगा। हाँ, 10 दिन तक चलेगा वैसे। ठीक है, मेरी ऐसी कितनी सारी क्रीम ऐसी होती है ना कि मेरे को समझ नहीं आता है खत्म होगा लास्ट में, फिर 4 दिन बिना उसके रहो, ये दाग के निकलना बंद हो जाएगा फिर भी वैसे निकाल सकते। और मुझे पूरा प्रॉपर इसका ब्रश लेना है अभी, तो ये वो वाला है ना, बट इससे भी हो जाता है, बट मैंने एक चीज देखा है ब्रश का, ये बेस का नहीं है, ये उसके लिए ना कंसीलर का है पता है, बट इससे भी हो जाता है। वो तो आप उंगली से कर देते हो तो अलग बात है। अभी पर मैं इससे कर रही हूँ पता है, इससे ज्यादा ज्यादा जल्दी होने लगा है अब। तो अगर ब्रश से मतलब हाथ से करती हूँ तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ब्रश से तो और फास्ट हो गया मेरा, मतलब सही हो गया। बफर ब्रश मंगा लेते ना सो। हाँ मैं पूरा वही सोच रही हूँ ऑनलाइन अब मंगवा। शुगर कम है हाँ, शुगर कम, अब इसका भी ब्रांड है ना, वो शुगर रहता है, शुगर ब्रांड का भी रहता है। बट लूंगी तो फिर एक ही बार लेके जाऊंगा, ही लेके रखो मतलब। कौन सा? बॉबी ब्राउन का ना। हाँ उसी का लूंगी मैं। कितने का आएगा? 1000 रुपए का? नहीं ऊपर आएगा 2000-3000। बट कौन सा हमेशा बार बार यूज करना होता है, मतलब बार बार नया खरीदना होता है, आप एक बार यूज करो तो अच्छा ही करो, तो आपके लिए अच्छा है ना। आई होप इसके पहले मैंने जो भी बोला आप लोगों को सुनाई दिया हो, क्योंकि ड्रायर चल रहा था, हेयर ड्रायर, सो पता नहीं आवाज़ आएगी कि नहीं, वो बाद में मैं जब देखूंगी तो पता चल जाएगा कि मेरा पोपट हुआ है कि क्या हुआ है। अगर मेरा पोपट हुआ होगा तो हमें क्या करना चाहिए मीनल को? क्या करेंगे बेचारे, वो कर सुखाना है बाल तो सुखाना ही है, अब क्या कर सकते हैं। तो मैं फटाफट एक बेस मतलब थोड़ा सा ये लगा दिया, ऑलमोस्ट लगा ही दिया, इसके ऊपर बस लास्ट में वो कंसीलर लगाऊंगी हल्का सा, दैट्स इट। एंड आई मेकअप भी फटाफट पहले ही कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करती हूँ एक्चुअली मैं। आई मेकअप देखो ना, ये ब्लैक साइड मतलब बहुत फास्ट वाला, और पता नहीं मुझे यही ठीक लगता है, मुझे लगता है कि बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए बहुत ज़्यादा मेकअप करने में, ऐसा मुझे लगता है। बट ऐसे भी हैं जो बहुत प्यार से अच्छे से करते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है। हेलो गुड मॉर्निंग, सन कौन उठा रही
हॉस्पिटल। कल अरे एक्चुअली ये साड़ी में कैसे हो सकता है, रॉन्ग है। हॉस्पिटल में हाँ वो ब्लू वाली जो साड़ी थी उसमें वापस आई थी ना। अरे यार मैंने भी दिमाग नहीं लगाया। वही नो ब्लू वाली जो साड़ी थी नीली वाली वो फ्रिल वाला जो ब्लाउज था मेरा सीन हुआ है जिसे मैं वापस आती हूँ मिश्री के साथ कल सीन जो हुआ था और वो बोलती है कि हॉस्पिटल फोन करके बोला था कि वापस फोन करके बोला था ना आपको आना पड़ेगा। हाँ तो वो इसी उसी साड़ी में जाती हूँ ब्लू में जाती हूँ मैं और वापस भी जब हॉस्पिटल से आई हूँ तो मैं जब जिसमें खिलौने उलौने मैंने सजा के रखे हैं और मैं मिश्री को बोलती हूँ कि देखो वो इसमें था कल नहीं ब्लू में था खिलौना वाला ये था खिलौना वाला ये था करेक्ट तो खिलौना वाला अगर ये था तो यही है फिर सही है फिर सही वाह बस इनको चेंज करना। सो यू ऑल कैन सी दैट आई एम रेडी राइट नाउ मतलब मैं 20 मिनट्स में सब हो गया लाइक मेकअप साड़ी हेयर एवरीथिंग सो सॉलिड आई थिंक ठीक से है। तो कंटिन्यू सीन में थी इसलिए मैं रिकॉर्डिंग अपना वीडियो नहीं बना पा रही थी और मैं किसी और को मैंने बोला नहीं किया बना दो तो बस वो सब चल रहा है हॉस्पिटल में हम वापस आ गए हैं सीन्स चल रहे हैं काफ़ी टाइम तक शूट करते रहे हम लोग मतलब हॉस्पिटल अभी हो गए लाइक ऑलमोस्ट 2 बज गए तो मैं भी आ गई हूँ कमरे में एंड नाउ लेट मी सी कि मेरे लंच में मैं क्या लाया वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं लेकर आती बट टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा होता है। ये लाइट पड़ रही है ना बैक में मतलब मेरे से ही सीन मतलब स्टार्ट था फटाफट जाके मैंने सीन के चक्कर में अपना क्या बोलते हैं चीज़ें संभाल सेटअप नहीं किया मतलब लाइक रूम में सब कुछ। सो मुझे वैसे बहुत ही इसकी भूख लगी हुई है चम्मच इसमें है खोखड़ी क्यूक्यूबर है दही जिसके बिना मैं खाना नहीं खाती ऐसे ऐसे मेरी डार्क चॉकलेट है ऐसे मैं एक या दो ऐसे बॉक्स डार्क चॉकलेट के रख देती हूँ सो या ओके लौकी की सब्जी मतलब एक टिफिन में थोड़ा कम लेती हूँ लेकर आती हूँ मतलब मेरी जो हेल्पर वो रखती है और ये रही लौकी की सब्जी ये बहुत मुझे पसंद है बाय द वे मुझे सब कुछ पसंद है घर का खाना बहुत पसंद दिल से खाती हूँ ओके एंड ये रहा दलिया तो मैं मोस्टली क्या एक्चुअली मुझे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है ठीक है तो मैंने ना क्या किया एक सेकेंड इसे मैं खा लूँ कि प्लेट में खाऊँ इसे मैं खा लेती हूँ चलेगा तो मैं राइस की जगह ना कितने बार नहीं मोस्टली मैं दलिया खाना शुरू कर दिया मैंने और मुझे आदत हो गई बहुत टाइम से मैं ही खाती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब कि और अच्छा लगता है यार मतलब दलिया को जो है ना राइस के जैसे ही बनाने का लाइक मैं बहुत मेरे को खाना खाते हुए देखोगे ना सो इट्स लाइक नॉट दैट
मतलब मैं पूरा मिक्स कर देती हूँ दही ब्रेक है तो या He is my all time favorite. ये जैसे ही आते हैं इनको देखकर मैं भाग जाती हूँ. इनको देख के मुझे भागने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये रुकने ही नहीं देते. बस पकड़ पकड़ के देखो कैसे ले जा रहे हैं. ये देखो डबिंग के लिए बस शॉर्ट कट हुआ नहीं कि डबिंग के लिए बस लेकर चले जाए इंसान सांस ना ले. आज हमारे सर पे आइसक्रीम पार्टी चल रही है. सी सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और आज तो मुझे इतनी नींद आ रही है. अच्छा ये जो मैंने टॉप पहना हुआ है क्योंकि मैं मेरा भी चेंज है एक्चुअली कॉस्ट्यूम चेंज है बट कुछ तो फिटिंग में कुछ इश्यूज थे लाइक इसके जो ब्लाउज है उसमें दूसरा जो आउटफिट है उसका. यस मेरा हो गया पैकअप हो गया ऑलमोस्ट 9:25 और मैं घर भी पहुँच गई हूँ मतलब लिफ्ट में हूँ. एंड सो प्लीज़ आपको मेरा ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. प्लीज़ डू दैट.